लालू के ठिकानों पर छापेमारी से गरमाई बिहार की राजनीति। छापेमारी की टाइमिंग पर क्यों उठ रहे हैं सवाल? क्या बिहार में चल रही है दबाव की पॉलिटिक्स? लालू के बहाने क्या नीतीश को दिया जा रहा है संदेश? बिहार में सियासी घटनाक्रम आजकल तेजी से बदल रही है। सियासी गलियारों में कयासों का बाजार गर्म है और नीतीश तेजस्वी के बीच बढ़ती करीबी ने प्रदेश के सियासी तापमान को और भी ज़्यादा बढ़ा दिया है। और इन्हीं अटकलबाजियों के बीच जब शुक्रवार को सीबीआई ने पटना स्थित राबड़ी आवास के साथ साथ लालू प्रसाद यादव के अन्य ठिकानों और राजद कार्यकर्ताओं के ठिकानों पर छापेमारी की, तो पटना से लेकर दिल्ली की मीडिया में ये चर्चा होने लगी कि क्या ये छापेमारी राजनीति से प्रेरित है। सियासी जानकार इस छापेमारी का अपने अपने हिसाब से मतलब निकाल रहे हैं। यहाँ समझने वाली बात यह है कि दरअसल तेजस्वी और नीतीश कुमार जिस तरह से एक दूसरे के करीब आ रहे हैं, निश्चित तौर पर वो बीजेपी के लिए शुभ संकेत तो नहीं है। जानकार बताते हैं कि दरअसल लालू के ठिकानों पर छापेमारी करवाकर बीजेपी नीतीश कुमार पर दबाव डालना चाहती है। जाहिर है कि बीजेपी नीतीश कुमार को फिलहाल कुर्सी से हटाने का नहीं सोच सकती है। भले ही बीजेपी बड़ी पार्टी है, लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं कि नीतीश के बिना बीजेपी के लिए बिहार की सत्ता पर स्थापित होना आसान नहीं होगा। और अगर नीतीश कुमार 2015 की तरह राजद के साथ हाथ मिलाते हैं तो बीजेपी का 2024 का समीकरण बिगड़ सकता है। यही वजह है कि बीजेपी नीतीश कुमार को तो नहीं छेड़ना चाहती है, लेकिन लालू यादव पर कार्रवाई कर नीतीश को अहम राजनीतिक संदेश देना चाह रही है। एक दूसरे के धुर विरोधी रहे राजद और जेडीयू के बीच बढ़ती नज़दीकियों ने प्रदेश की सियासत में एक नई बहस छेड़ दी है। खासकर जिस तरह से तेजस्वी और नीतीश कुमार एक दूसरे के करीब आ रहे हैं, एक दूसरे पर सोच समझ कर बयानबाजी कर रहे हैं, उससे प्रदेश में एक नया समीकरण बनने की सुगबुगाहट पिछले काफ़ी समय से देखी जा रही है। लेकिन इसी बीच लालू के ठिकानों पर सीबीआई की छापेमारी ने एक साथ कई मुद्दों को जन्म दे दिया है। दरअसल अगले महीने लालू प्रसाद यादव का जन्मदिन है। उम्मीद है कि वो अपने जन्मदिन पर पटना आ सकते हैं। हालांकि फिलहाल वो दिल्ली में हैं और अपना इलाज करवा रहे हैं। लेकिन जानकार कहते हैं कि दरअसल लालू प्रसाद यादव दिल्ली में जरूर हैं, लेकिन उनकी नज़र बिहार में घट रहे सियासी घटनाक्रम पर बनी हुई है। सियासी गलियारों में तो चर्चा ऐसी भी चल रही है कि बिहार में बड़ा सियासी उलटफेर होने वाला है। भले ही तेजस्वी यादव फ्रंट फुट पर आकर बिहार के सियासी पिच पर राजद की ओर से बैटिंग कर रहे हैं, लेकिन इसकी पूरी स्क्रिप्ट लालू प्रसाद यादव लिख रहे हैं और उनके कहने पर ही तेजस्वी यादव एक एक चाल चल रहे हैं। इसमें कोई दो राय नहीं कि लालू प्रसाद यादव न सिर्फ बिहार की राजनीति के धुरंधर खिलाड़ी हैं, बल्कि देश की सियासत में भी उनके कद को लोग बखूबी जानते हैं। और लालू प्रसाद यादव राजनीति में कोई बड़ा उलटफेर करने में भी माहिर हैं। ऐसे में उम्मीद जताई जा रही है कि लालू के पटना आने के बाद कुछ ऐसा होने वाला है जो उनके विरोधी, खासकर बीजेपी के लिए मुश्किलें पैदा कर सकती है। भले ही बीजेपी नेता ये कह रहे हो कि लालू पर सीबीआई की कार्रवाई उनके कर्मों का नतीजा है, लेकिन सियासी पंडित इस बात को बिल्कुल भी मानने को तैयार नहीं है कि लालू के ठिकानों पर कार्रवाई सिर्फ कानूनी प्रक्रिया है। बहरहाल लालू के जन्मदिन से पहले सीबीआई की छापेमारी और बिहार की राजनीति में बड़े उलटफेर की सुगबुगाहट क्या बीजेपी की बढ़ती बेचैनी का नतीजा है, ये तो आने वाले वक्त में पता चल ही जाएगा। लेकिन जिस तरह से लालू प्रसाद यादव पर सीबीआई की छापेमारी की जा रही है, जानकार उसे दबाव की पॉलिटिक्स मान रहे हैं। ऐसे में ये देखना अहम होगा कि क्या इस कार्रवाई से तेजस्वी और नीतीश की बढ़ती नजदीकियों पर कोई असर पड़ता है। नखरे वाला बेटा हो या डाइटिंग वाली बेटी, डायबिटिक दादाजी हो या वेजिटेरियन मामा जी, सबको मिलेगा उनकी पसंद का खाना बस एक क्लिक पर। डाउनलोड रेल रेस्टोरेंट ऐप एंड गेट टेस्टी फूड्स ऑन योर सीट।